हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं जीरा राइस। जीरा राइस बनाने के लिए मैंने एक कटोरी बासमती चावल लिया है। बासमती चावल को मैंने धोकर छान लिया है, इसलिए हम फुलाएंगे नहीं। फुलाने के बाद बासमती चावल टूट जाता है, इसलिए मैंने धोकर इसे छान लिया है। एक चम्मच मैंने नमक लिया है, नमक आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं। दो टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है, 4-5 लौंग लिया है, एक नींबू लिया है। इस नींबू के रस को मैंने निकाल के पहले से ही रख लिया है। एक बड़ी इलायची मैंने ली है, जिसे कूट लिया है मैंने। दो चम्मच शुद्ध घी लिया है, आप रिफाइंड ले सकते हैं या सरसों का तेल भी यूज कर सकते हैं। और एक चम्मच जीरा, 5-6 मैंने गोलकी ली है। एक चम्मच मैंने अदरक को ग्राइंड कर लिया है और एक बड़ा प्याज मैंने बारीक काट के रख लिया है। तो चलिए आज हम बनाते हैं जीरा राइस। जीरा राइस बनाने के लिए मैंने कुकर को गर्म कर दिया है। देखिए, कुकर अच्छी तरह गर्म होना चाहिए। जब कुकर गर्म हो जाए तो इसमें हम शुद्ध घी ऐड करते हैं। शुद्ध घी डालेंगे, जब ये गर्म हो जाए, पिघल जाए, तब इसमें दालचीनी के दो टुकड़े को डाल देंगे। ये गर्म हो गया है घी, अब इसमें हम दालचीनी के दो टुकड़े को डाल दिए हैं। अब इसमें एक बड़ी इलायची, 4-5 लौंग और इसमें हम एक चम्मच अदरक ग्राइंड किया हुआ डालेंगे। और इसमें हम जीरा और गोलकी को भी डाल लेंगे और इसे हम अच्छी तरह मिला लेंगे। जब ये अच्छी तरह मिल जाएगा और घी में इसका फ्लेवर आ जाएगा, इसे 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे ताकि इसका फ्लेवर घी में अच्छी तरह आ जाए। अब ये 1 से 2 मिनट मैंने पका लिया है। अब इसे हम प्याज डालेंगे। मैंने एक बड़ा प्याज लिया था, उसे बारीक काट लिया था। प्याज को डाल के हम इसे चलाएंगे। प्याज को भी ज़्यादा नहीं भूनना है, 1 से 2 मिनट भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। ज़्यादा इसे नहीं पकाएंगे। 1 से 2 मिनट मैंने पका लिया है। अब इसमें हम नमक डालेंगे। नमक आप स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। पहले इसमें हम चावल यूज कर रहे हैं, पहले मैंने चावल डाल लिया है, बासमती चावल। चावल डालने के बाद इसे हम चलाएंगे। इसे चावल को भी ज़्यादा नहीं भूनना है, 2 से 3 मिनट तक हम इसे भूनेंगे। इसमें नमक ऐड करेंगे और आप चाहें तो इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। मैंने नींबू के रस को लास्ट में डाला है। तो आप चाहें इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। एक चम्मच मैंने नमक ऐड किया है, इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। अब ये अच्छी तरह भुन गया है। अब इससे जिस कटोरी से मैंने चावल लिया था, उस कटोरी से 2 कटोरी हम इसे पानी डालेंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो ये गीला हो जाएगा। पानी मात्रा में होना चाहिए। 1 कटोरी चावल लिया था, उस कटोरी से 2 कटोरी हम इसमें चावल ऐड करेंगे। अब हम कुकर को बंद कर देंगे। जब 2 सीटी आ जाएगा तो हम गैस को ऑफ कर देंगे और जब कुकर ठंडा हो जाए तब इसे हम खोलेंगे। इसका फ्लेम हम हाई कर देते हैं ताकि सीटी आ जाए। 2 सीटी आने के बाद गैस को ऑफ कर देना है। 2 सीटी आ गया है और गैस मैंने ऑफ कर दिया था। अब कुकर खोलेंगे हम। देखिए कितना खिला खिला बना है जीरा राइस, इसमें पानी नहीं बचा है। आप इसे चाहे तो गरम गरम सर्व कर सकते हैं। अब इसमें हम नींबू का रस ऐड करेंगे। हम पहले भी ऐड कर सकते थे पानी के साथ, लेकिन मैंने इसे लास्ट में ऐड किया है। और इसे अच्छी तरह हम मिला लेंगे। आप चाहें तो इसमें धनिया का पत्ती भी डाल सकते हैं, लेकिन
उससे उसका फ्लेवर थोड़ा चेंज हो जाता है, इसलिए मैंने धनिया का पत्ती नहीं डाला है। इसमें नींबू के रस को डालकर हम मिला लिए हैं। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके